यार अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर का टेम्परेचर नहीं बढ़ाया ना तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। यार कब तक उन लोगों के बारे में सोचते रहोगे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पीछे खींचने पर तुले हुए रहते हैं। बंद करो ये, क्योंकि लोग वैल्यू तुम्हारी नहीं तुम्हारी हैसियत की करते हैं। अगर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं तो याद रखना तुम्हारी कोई वैल्यू भी नहीं, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। कामयाबी के इस रास्ते में मुसीबतें भी लाख आएगी, पर तुम घबराना मत। याद रखना ये जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़ना। कल का दिन आज से जरूर बेहतर होगा। किसी ने क्या खूब लिखा है, जिन जिन पर इस दुनिया ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसलिए जो हंसते हैं उन्हें हंसने दो, जो भला बुरा कहते हैं उन्हें कहने दो, क्योंकि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं है, तू इंसान है कोई अवतार नहीं है। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं है। यूं ही नहीं मिलेगा पता लबासना का मेरे दोस्त, खुद को हरा कर यूपीएससी से जीतना है अभी। इस पर किसी ने क्या खूब लिखा है, लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है, आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। यार मैं तो फैन हो गया हूँ 21 वर्ष के आईपीएस सफीन हसन का, जो कहते हैं यदि आईएएस या आईपीएस बनने के लिए त्याग और संघर्ष नहीं करना पड़े तो आज भारत के हर घर में एक आईपीएस और आईएएस होंगे। इसलिए तो हमने भी सोचा है कि मैं वो हर चीज़ का त्याग करूँगा जो हमें यूपीएससी क्रैक करने में बाधा उत्पन्न करेगी। मैं उन लोगों से मिलना छोड़ दूँगा जो कहते हैं कि यूपीएससी तो बहुत बड़ी एग्जाम है यार, हमसे कहाँ हो पाएगा। इसी पर किसी ने क्या खूब लिखा है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, अरे हारा तो वो जो लड़ा नहीं होता। यार कामयाबी मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के और भी मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद जय भारत।